या हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किया K5 GT कार्गो मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एडऑन में जाइए। उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद एक CC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक शेक वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ 2022 KIA K5 GT का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक शेक वो फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स 2022 KIA K5 GT आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, update.rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का एक टेक्स्ट आना, टेक्स को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, मैं आपको मैन्युअली टाइप करना होगा 2022 KIA K5 GT। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो किया K5 GT कार आ गई है। हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। किया का लोगो, K5 की बैजिंग, GT की बैजिंग। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
मैं आपका इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। यह आप देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। इसके हेडलाइट्स मैं आपका इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। यह आप देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। पैनोरामिक सनरूफ चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नेट का लुक देख लेते हैं। यह हम देख सकते हो इस कार का नेट का लुक, इसके हेडलाइट्स, इसके इंडिकेटर्स। चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। वन थर्टी, वन फिफ्टी, वन सिक्सटी, वन सेवेंटी, वन एटी, 200 ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।